अभी अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे ले आओ, क्योंकि अभी जो हम आपको अपनी 5 सीक्रेट हैबिट्स बताने वाले हैं वो सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी खुद की पर्सनल लाइफ और एक्सपीरियंसेस से निकला हुआ सच है। वो 5 सच जिसे हमने अपनी कम उम्र में ही अपनी आदत बनाकर वक्त से पहले हम अपने सपनों को अपनी हकीकत बना पाए और अपनी उम्मीद से पहले अपनी सक्सेस अचीव कर ली। अगर आप हमारी ही तरह एम्बिशियस हो तो पैसा, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, स्टेबिलिटी, पीस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, ये सब आप भी पा सकते हो सिर्फ इन 5 गोल्डन हैबिट्स से। हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने सच में अपनी सक्सेस अचीव की है। हम कोई यूं ही हवा हवा में बातें नहीं कर रहे, हम वो लाइफ जी रहे हैं जैसी हम बचपन से जीना चाहते थे। इवन इन 5 हैबिट्स के साथ हम आपको अपनी एक ऐसी बोनस हैबिट भी बताने वाले हैं जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को और भी फास्ट बना देगी, जिसमें से हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पहली हैबिट है, हैबिट नंबर 1, द ड्राइव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। पता नहीं कैसे लेकिन हमें बचपन में ही एक चीज सीखने को मिल गई थी कि जो लोग लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाते हैं वो अक्सर अपने बैकग्राउंड, हालातों और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से अलग हटकर जीते हैं। उनका माइंडसेट क्लियर होता है, वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनका गोल होता है कि 99% लोग जो कर रहे हैं उन्हें उसका उल्टा करना है। हम खुद भी ऐसे ही हैं बचपन से। आप इसे एक कैरेक्टर ट्रेट कह दो, जिद कह लो या एक आदत, हमें ना नॉर्मल लाइफ कभी भी पसंद नहीं आई। जो चीज सब कर रहे होते हैं वो हमें करने में मजा नहीं आता। छोटा सा एग्जांपल, मान लो सबको एक सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। अब क्योंकि 99% लोगों की सोच और लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है, इसीलिए हमें इसका अलग करना होता है। इवन जो भी चीज या फैशन ट्रेंड में चल रहा होता है तो ज्यादातर लोग वो कर रहे होते हैं, इसीलिए अब हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना होता क्योंकि सब वही कर रहे हैं। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसे आप लाइफ के हर एक एरिया में कनेक्ट कर सकते हो। यानी सिंपली समझा जाए तो भीड़ जहां जाती है हम उसके ऑपोजिट ही जाएंगे। अब कुछ ही दिनों पहले एक सुबह चाय पीते वक्त हमारी मम्मी ने बातों ही बातों में कहा, तू ना बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग रहा है, तू शैतान भी था, तेरे अंदर कमियां भी थी, लेकिन तू कभी बाकियों की तरह नहीं जिया। तू हमेशा से बाकी लोगों से सोचता, बोलता और जीता भी अलग है। इवन हमारे सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं, भाई तू अलग ही है, तेरे जीने और सोचने का तरीका बाकियों से अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हम में भी कमियां थी, लेकिन इन कमियों की वजह से हम एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, लेकिन हमें बहुत छोटी उम्र से ही ये क्लियर था कि हमें अपने आसपास के डिप्रेस लोगों की तरह नहीं जीना। हमें डर था कि हमारी लाइफ भी वही स्ट्रगल ना बन जाए जैसी हम अपने आसपास देखते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन वहाँ अटकना एक सजा है। मिडिल क्लास में पैदा हुए, लेकिन इस मिडिल क्लास में मरना नहीं था। ये गोल ध्यान में रखते हुए हमने वो सभी एक्शंस लिए जो हमें भीड़ से अलग बनाते रहे, तभी आज हम अर्निंग वाइज इंडिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं। तो अगर आपको अर्ली सक्सेस चाहिए तो आपको बाकी के 99% लोगों से अलग सोचना और जीना होगा। ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये आपको टॉप 1% में जरूर ले आएगा। नाउ हैबिट नंबर 2, एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग बैड हैबिट्स। ये हैबिट हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रही है, जिसने ना सिर्फ हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचाया बल्कि हमें जल्दी सक्सेस अचीव करने में भी मदद की है। पता है क्या, आज से कुछ सालों पहले हमारे अंदर भी कुछ बुरी आदतें थी जैसी हम सभी में होती हैं, लेकिन लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे कि आज हम उन हैबिट्स से दूर रहते हैं जो हमारी प्रोग्रेस और सक्सेस को डिले कर सकती हैं। हम ना ड्रिंक करते हैं, ना स्मोक और ना ही किसी और डिस्ट्रक्टिव हैबिट या एडिक्शन के आदि हैं। इसी वजह से हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं रहे जो ऐसी चीजों में शामिल होते हैं। इनका रिजल्ट ये हुआ कि यंग एज में हमारा काफी टाइम बचा, हेल्थ अच्छी रही और पैसा भी सेव हुआ। हमने स्पेसिफिकली उन हैबिट्स को किल कर दिया जो हमारी हेल्थ, वेल्थ और टाइम, इन तीनों में से किसी भी एक एरिया को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। अक्सर लोग कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर डिफाइन करता है, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ या फिर ऐसी आदतों में अपना वक्त गुजारते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते जहाँ आज हम अपने 20s में हैं। इवन हमने किसी की पीठ पीछे बुराई करने में या मीनिंगलेस गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और हमें पसंद भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं रुकते जो दिन भर बकवास करते रहते हैं और उनकी लाइफ का कोई पर्पज नहीं है। एक कोट है जो हमें बहुत पसंद है, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। यानी हमने शॉर्ट टर्म प्लेजर को एंजॉय करने से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस किया, और यही हमारी लाइफ का मोटो है। इन सिंपल दिखने वाली बैड हैबिट्स से दूर रहने की वजह से थैंक गॉड ना जाने हमने अपना कितना टाइम और साल बचा लिए जो हम अपनी सक्सेस और हार्ड वर्क पर लगा सके, वरना आज हम भी उन लोगों की तरह होते जो अपने डिसीजंस पर रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने गोल्डन ईयर्स और यंग एज यूं ही वेस्ट कर दी। हैबिट नंबर 3, द परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा हर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें बचपन से ही पैसा कमाने का इतना शौक था कि जब हम 10वीं की छुट्टियों में थे और जब रिजल्ट्स आना बाकी था तब भी हमने कुछ महीनों के लिए छोटी मोटी जॉब भी करी, जबकि घर वाले मना करते थे। इवन हमने जॉब्स की, इवेंट्स में काम किया और अपनी मेहनत से पैसा कमाया।
और जैसे ही 12वीं खत्म हुई, बिना टाइम वेस्ट किए हमने और भी कई जॉब्स करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत कम उम्र से ही हमें सक्सेस में पैसों की वैल्यू समझ आ गई थी। अब कोई चाहे कितना भी कुछ भी कह ले कि उसके लिए सक्सेस उसका पीस ऑफ माइंड है या हैप्पीनेस है या कुछ और, असली बात यह है कि बिना पैसों के ना ही पीस मिलती है ना ही खुशी। और पैसा और हैप्पीनेस दो अलग चीज है। ना जाने लोग क्यों इन्हें आपस में जोड़ने लगते हैं। पैसे की कभी वैल्यू जाननी हो ना, तो किसी रोड पर बैठे भूखे और गरीब इंसान से पूछना। लेकिन खैर, अगर हम अपनी बात करें तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद हमने सेविंग्स स्टार्ट की, धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्ड की, बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। लेकिन एक टाइम पर ये रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो हम बुढ़ापे में जाकर रिच और सक्सेसफुल बन पाएंगे, लेकिन हमें तो अपने 20s में रिच एंड सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जीनी थी। तब हमने MJD मार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ी, जिसने हमें ये सिखाया कि लाइफ में यंग एज में जल्दी रिच कैसे बनना है। उसने सिखाया कि बिजनेस ही इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप कम उम्र में अपने 20s में ही जल्दी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हो। फिर बिजनेस कैसे करें, इसके लिए हमने द 4-आवर वर्क वीक बुक पढ़ी, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हम खुद का काम या बिजनेस करेंगे तो वो ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आप कहीं से भी कभी भी काम कर सकते हो और अपने बिजनेस को जितना चाहो उतना एक्सपेंड कर सकते हो सिर्फ इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से। इस रियलाइजेशन के बाद हमने रिवायर्स को बिल्ड किया, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारा बचपन से इंटरेस्ट रहा है और वीडियो एडिटिंग हमारी स्किल थी जो हमने सीखी थी। ये वो काम है जो करने में आज भी हमें मजा आता है, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं। और अगर आप हमसे पूछो तो हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अभी कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप खुद का कुछ काम करना चाहते हो तो हमेशा ऑनलाइन काम ही करना। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और इसे आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हो। हम भी सून अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करने का सोच रहे हैं, और अगर आप भी अपनी वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हो तो होस्टिंगर आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, चाहे वो ब्लॉग, ई कॉमर्स स्टोर या पोर्टफोलियो हो, होस्टिंगर का 12 मंथ प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर प्लान न ही सिर्फ अफोर्डेबल है, बल्कि फ्री डोमेन, ईमेल, अनलिमिटेड SSL और नए मुंबई डेटा सेंटर के साथ ब्लेजिंग फास्ट स्पीड और अपटाइम भी देता है। आज के डिजिटल एज में एक रिलायबल वेबसाइट होना जरूरी है और होस्टिंगर इसे एंश्योर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारे एक्सक्लूसिव कूपन कोड से। होस्टिंगर अपनी प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट रखता है बिना किसी हिडन कॉस्ट के। आपको 30-डे मनी बैक गारंटी भी मिलती है और उनका 24/7 कस्टमर सपोर्ट हमेशा अवेलेबल है। अब हम आपको जल्दी से दिखाते हैं कि ये शुरू करना कितना आसान है। बस आप होस्टिंगर पे जाइए, प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर प्लान चूज कीजिए और चेकआउट पे हमारा डिस्काउंट कोड अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि प्राइस तुरंत ड्रॉप हो जाता है। फिर इंट्यूटिव डैशबोर्ड पे सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपना डोमेन चूज कीजिए, अपनी साइट कस्टमाइज कीजिए और आपकी वेबसाइट कुछ ही देर में लाइव हो जाएगी। होस्टिंगर इसे सिंपल बनाता है। चाहे आप वेबसाइट बिल्डिंग में नए ही क्यों ना हो, आपको बस अपना नाम फिल करना है और फिर वेबसाइट, ब्रांड और जो कुछ भी आप चाहते हो उसका एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, और एक सिंगल क्लिक से ये ब्रिलियंट लुकिंग वेबसाइट तैयार हो गई है। लेकिन ये पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा। वेल, नो प्रॉब्लम, इस पेज पर सब कुछ कस्टमाइजेबल है। हम इस टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं जो भी आप चाहो। आप एक नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो जो आप चाहो, और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि वेबसाइट PC पर कैसी लगती है, मोबाइल डिवाइस पर कैसी दिख रही है। हमें एक अच्छा लोगो चाहिए, यहीं पर AI मदद करता है। ये आपके लिए एक लोगो बना सकता है और आप उसको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हो। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने में सीरियस हो तो अभी बेस्ट टाइम है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, होस्टिंगर के साथ कुछ अमेजिंग क्रिएट कीजिए, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको जरूर थैंक यू बोलेगा। हैबिट नंबर 4, अ डीप लव फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। आजकल लोग कुछ नया सीखने को एक पेनफुल टास्क की तरह देखते हैं। टाइम देना पड़ेगा, पैसा लगेगा और रिजल्ट की गारंटी भी नहीं। लेकिन हमें ना हमेशा से नई चीजों और स्किल्स को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी रही है। सीरियसली, हम बस सीखते गए और पता ही नहीं चला कि कब इतनी सारी स्किल्स हमारे अंदर आ गई। और वो इसलिए क्योंकि हर वो स्किल या नॉलेज लेना जो हमें फायदा दे सके, हमें इम्प्रूव कर सके और जिससे हमारी ग्रोथ हो, उसे हमें करना है। हमें हमेशा से ये शौक रहा है कि जो भी काम करना है उसमें अपना बेस्ट देना है। तभी रिवायर्स पर भी हम अपना हमेशा दी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। पता है क्या,
जब आप अपना खुद का कुछ शुरू करते हो जैसे बिजनेस, तो आपको भी ऑटोमेटिकली मल्टी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज सीखना पड़ता है। लेकिन हमने इस प्रोसेस को कभी बोझ नहीं समझा। आज हम जहां भी हैं, उसमें इन बेसिक स्किल्स की मास्टरी का बड़ा हाथ है, जैसे कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी, वेब डिजाइनिंग, टीम मैनेजमेंट। और सॉफ्टवेयर के मामले में हमें फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व और फाइनल कट प्रो, एडोब ऑडिशन, लाइटरूम जैसे और भी कई सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स आते हैं। हम रोज अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाते रहे और इस जर्नी में सीखना कभी बंद नहीं किया। हम मानते हैं कि कोई आपसे आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज और स्किल्स नहीं। हैबिट नंबर 5, नो मैटर व्हाट, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। पता है, हमें इस चैनल रिवायर्स को रन करते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। 2019 से लेकर अब तक इन 5 सालों में शायद ही कोई हफ्ता ऐसा रहा हो जब हमने वीडियो अपलोड ना की हो। हमारी कंसिस्टेंसी 99.9 रही है, चाहे कभी व्यूज बहुत अच्छे आए, कभी कम, लेकिन हमने कभी अपना काम करना या वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ा। रिवायर्स को हमने कभी एक टाइम पास शौक नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन और ड्यूटी की तरह रखा। यही रीजन है कि हम यूट्यूब पर इतने सालों से टिके हुए हैं, वो भी एक अच्छी रेपुटेशन के साथ। सच कहे तो पिछले सालों में हमारी लाइफ स्मूथ और इजी नहीं रही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन सब के बावजूद हमने अपना काम नहीं छोड़ा और अपनी टीम को भी मोटिवेट किया। घर वालों और फ्रेंड्स ने कहा कि टफ टाइम्स में ब्रेक ले ले, रेस्ट कर ले, लेकिन हमने हमेशा काम किया। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, बुखार हो या तबीयत खराब हो, हमने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। हाँ, कभी काम कम किया, कभी ज्यादा, लेकिन काम जरूर किया। इसी तरह अगर आप भी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई, तैयारी या कोई भी काम, उसे रोज करना बंद मत करो। थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहो। ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन अपने गोल को नजर में रखो। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पैशन और पर्पस दोनों है। पैसा कमा लिया और आगे भी कमाएंगे, लेकिन हमारा बिगर पर्पस है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाते बनाते करोड़ों यूथ की लाइफ में इम्पैक्ट डालना। एटलीस्ट इतने सालों बाद ये तो सोच के सुकून मिलेगा कि 1% लोगों की हमने किसी ना किसी वे में हेल्प की होगी। ना जाने कौन सी वीडियो, कौन सी एक बात किसी की पूरी लाइफ बदल दे। जब लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना कि रिवायर्स, हमारी वीडियो ने उन्हें जेईई, नीट या कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करने, बिजनेस शुरू करने या कोई बुरी आदत छोड़ने में मदद की, तो वो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन देता है। ये सेटिस्फेक्शन और इम्पैक्ट ही हमें आगे बढ़ने का पर्पस देता है। इसीलिए हमने अपने पैशन को अपनी ड्यूटी बना लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी काम कर रहे हैं जो हमारे कंटेंट से इंस्पायर होते हैं। अब है एक बोनस हैबिट, डिसअपीयर एंड रीअपीयर। पता है क्या, इन 5 हैबिट्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिसअपीयर यानी गायब हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स को फोकस करना, न मिलना, न बात करना, सिर्फ काम, काम और काम। और जब इस काम से रिजल्ट आना शुरू हो जाए, तब रीअपीयर होके वापस दुनिया में कदम रखना। और हमारे आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि इसने इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस कैसे अचीव कर ली। बट डिसअपीयर होके रीअपीयर होना भी अपने आप में एक प्रोसेस है, जिसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया है, वरना आप ये राइट वाली वीडियो देखो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।